प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, 1 कटोरी बेसन, 1 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए हरा धनिया जिसे मैंने धो लिया है, 3 बड़ी हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ, 1/2 नींबू, 1 कटोरी दही और तलने के लिए तेल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे। काटने के बाद प्याज के छल्लों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे जिससे कि वो पूरा का पूरा एक साथ बैटर में ना दिखे। अब एक बाउल में प्याज डालेंगे, इसमें हम हरी मिर्च, हरा धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, इसे आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, अब हम डालेंगे इसमें लगभग 3 चम्मच 3 बड़े चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच और थोड़े से पानी के साथ इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। अगर आपको बेसन थोड़ा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला सकते हैं। बेसन अच्छे से प्याज पे कोट हो जाना चाहिए और एक थिक सा बैटर बन जाना चाहिए। अब हम गरम तेल में पकौड़ों को डालेंगे और मंदी आंच पे इसे तलेंगे। इसे मंदी आंच पे ही तले वरना पकौड़े बाहर से हो सिक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए पकौड़े अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल के एक टिश्यू पेपर पे रख लेंगे। चटनी बनाने के लिए हम धनिया में हरी मिर्च, लहसुन, नमक, जीरा पाउडर और दही डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1/2 नींबू निचोड़ेंगे और आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। ये गर्मा गर्म पकौड़े आप चटनी और चाय के साथ सर्व कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।